क्राइम न्यूज में आपके साथ स्वाति गुप्ता। बीती 15 तारीख की मध्य रात्रि में शौच के लिए बाहर गए वृद्ध लक्ष्मण की हत्या हुई। इसी मामले को लेकर महाराजगंज पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर पुत्र ने ही धारदार हथियार से गला रेत कर अपने पिता की हत्या कर दी। आपको बता दें, रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे ठकुराइन मजरे खैरहाना में बीती 15 जून को गांव के पास ही खरंजे में खून से लथपथ एक वृद्ध का शव मिला था, जिसमें मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। मृतक लक्ष्मण के बेटे राजकुमार ने ही अपने पिता की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। इंडियन क्राइम न्यूज के लिए रायबरेली ब्यूरो हर्षित द्विवेदी के साथ महाराजगंज से मुकेश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। थाना महाराजगंज में विगत वर्षों जो है एक लक्ष्मण नाम के वृद्ध व्यक्ति की उसके घर के 50 फीट दूर खड़ंजे पर डेड बॉडी मिली थी, जिसके गले पर चोटें थीं। जब इस घटना का अन्वेषण प्रारंभ किया गया, गहराई से छानबीन की गई, तो इसमें प्रकाश में ये बात आई कि इसके बड़े पुत्र राजकुमार ने ही इनको जो उसकी जमीन थी, 2 बीघे जो जमीन थी, उसको बेच करके अपना कर्ज अदा करना चाह रहा था तथा ये राजकुमार को कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहता। इससे छुट होकर के राजकुमार ने अपने पिता की स्वयं लाठी से गले में या पैर में चोट पहुंचा करके उनको उनकी हत्या की, जो स्वयं राजकुमार ने सब स्वीकार किया है। और राजकुमार को गिरफ्तार करके उस लाठी को भी बरामद कर लिया गया, जिससे उसने पिता की हत्या की।